हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट जीके. तो बच्चों, लास्ट हम पढ़े थे 17 एंड 18 चैप्टर. ओके, तो आज हम देखेंगे 19. तो 19 में क्या है? लैंग्वेज स्टडी. तो यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी हेडिंग. अगेंस्ट ईच वर्ड राइट द राइमिंग वर्ड विथ अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. तो यहाँ पे हमको एक चैप्टर में आता है, कोई आपने देखा आपको, मैं पता नहीं, तो सेम वर्ड आते हैं उसमें हेयर है, तो हेयर जैसा दूसरा भी है पर उसका मीनिंग अलग होता है. ओके, बोलते हैं एक जैसा लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है. तो ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी दी गई है. ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स है उसमें दिया गया है. फर्स्ट आपको देखना है चेक. तो चेक जैसा एक दूसरा भी स्पेलिंग आता है, ये चेक और ये चेक दोनों का मीनिंग अलग होता है. तो यहाँ पे ये चेक है CHECK और यहाँ पे है CHEQUEE. तो यहाँ पे भी चेक लिखा है. ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों वर्ड्स सेम लगेंगे लेकिन उसके मीनिंग अलग होगा. चेक मतलब कि ये चेक भी अलग है और ये चेक भी अलग है. ओके, तो ये चेक मतलब कि चेक और ये चेक मतलब कि जो हमारा चेक होता है वो. ओके, डियर. तो डियर मतलब कि ये हम कोई किसी को बुलाते हैं, डियर फ्रेंड्स इसमें यूज़ होता है. और ये वाला डियर जो हमारा एनिमल्स में आता है डियर, वो उसके लिए यूज़ होता है ना बच्चों. तो आपको ये ढूंढना है. फॉर मतलब कि ये फॉर मतलब कि जो फॉर आते हैं वो नंबर्स में फॉर आता है उसके लिए. और ये फॉर मतलब कि हम ग्रामर में बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए यूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पे दिया गया हेल और है. तो यहाँ पे HAIL और यहाँ पे HALE है, तो उसका मीनिंग भी अलग होता है और हेल भी अलग होता है. ओके, हेयर. तो हेयर मतलब कि जो हमारे बाल होते हैं वो हेयर, और ये एयर मतलब कि हवा. ओके, तो हेयर आप बोलोगे तो आपको सेम जैसा वर्ड लगेगा. कोई दूर से बोलता है हेयर एयर तो आपको ऐसा सुनेगा हेयर एयर. आप हेयर बोलोगे तो उनको वो सुनाई देगा एयर. ओके, तो यहाँ पे सॉरी, ये भी हेयर अलग है और ये भी अलग है. तो हेयर नेक्स्ट भी हम हेयर पढ़ेंगे हेयर. ओके, तो यहाँ पे 7 नंबर में सेम ऐसा ही वर्ड है हेयर, तो हेयर. ओके, 8 नंबर फेयर, तो फेयर. तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे आर ई है. ओके, मैन तो मैन, मैन मतलब कि यहाँ पे भी मैन. ओके, राइट तो राइट. तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है पर आर है, तो भी राइट बोलेंगे और यहाँ पे राइट है, आपको सेम सुनाई देगा. ओके, इन एंड इन. ओके, यहाँ पे डबल एन है. हियर तो HER, हियर मतलब कि सुनना, हियर मतलब कि यहाँ पे. ओके, ये HERE वाला मतलब कि यहाँ यहाँ पे. टीयर मतलब कि जो हमारे आंसू होते हैं वो. तो टायर मतलब कि जो टायर होते हैं वो. स्टील तो अभी आपने पढ़ा, स्टील मतलब कि जो स्टील, स्टील तो ये भी अलग है जो वेट करते हम. ये स्टील स्टील आई एम कमिंग ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, तो उसमें यूज होता है. सन तो सूरज एंड पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र के लिए यूज होगा SUN. सन किसके लिए यूज होगा? जो सूरज दादा आते हैं ना उसको बोलते हैं सन. ओके, SUN. होल मतलब कि जो काना पाड़ा, हम होल मतलब कि जो कुछ बोलते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं, वो काना पाटते हैं उसको बोलते हैं हॉल. और ये हूल, हॉल ये भी अलग होता है. ओके, लेक और ये लेक ये भी अलग है. लेक LSC मतलब कि सी का भी के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओके, लेक. कोट एंड कॉक्ट, तो कॉक्ट मतलब कि पकड़ना और ये कोट अलग होता है. ओके, तो यहाँ पे ये सेम वर्ड है. ओके, तो आपको एक बार लिख के बोलना है. ओके, तो बी नंबर में देखेंगे हम अंडर कॉलम ए. द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोवर्ब इज गिवन वाइल अंडर कॉलम बी ए. सेकंड पार्ट इज गिवन मैच द टू पार्ट सुइटेबली. तो यहाँ पे कॉलम ए बी में से आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन और यहाँ पे नंबर राइट करना है. तो फर्स्ट है स्लो एंड स्टेडी. क्या है? स्लो एंड स्टेडी. तो स्लो एंड स्टेडी में क्या आएगा? डी नंबर विंस द रेश. ओके, तो डी नंबर आएगा. सेकेंड नंबर ओनली द वियर नोस. तो ओनली द वियर मतलब कि वेयर द शू पिंचेस. ओके, तो यहाँ पे यही आएगा. स्टिच इन टाइम तो सेव्स नाइन. ओके, एस यू स्नो एस यू शो तो बी नंबर से
सॉरी यहाँ पे स्टिच इन टाइम में बी आएगा सेव्स 9 एन एस यू 9 में सी नंबर 100 सैल्यू रिम ओके रोलिंग स्टोन मतलब कि गैदर नो मोस ओके तो ये भी आपको सेम आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है। सी नंबर में है कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजंस चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू ओके तो यहाँ पे है एक एग्जांपल दिया गया है तो आपको ये कंपैरिजन कंप्लीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सारे बॉक्स में तो वहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे राइट करना है। तो फर्स्ट में एस ब्लैक एस द क्रो तो क्रो ब्लैक आता है ना बच्चों तो यहाँ पे राइट किया है क्रो एस ब्रिटल एस ग्लास क्या आएगा यहाँ पे ग्लास एस कोल्ड एस कोल्ड कौन क्या होता है आइस आइस होता है ना तो यहाँ पे आइस लिखना है और ग्रेसफुल एस स्वान और हार्ड एस स्टोन हार्ड क्या होता है स्टोन ओके और ब्रेव एस लायन तो लायन क्या है एक ब्रेव एनिमल है और चीयरफुल एस और लार्क तो क्या आएगा यहाँ पे लार्क और मीक एस अ लैम एस ग्रीन एस ग्रास तो ग्रीन क्या होता है ग्रास एस स्वीट एस हनी ओके तो हनी सबसे मीठा होता है। तो यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी तुम आपकी 19 चैप्टर की कंप्लीट की है लैंग्वेज स्टडी तो आपको ये सेम होमवर्क आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है और आपको ये जीके की टेक्स्ट बुक है उसमें भी राइट करना है और नोटबुक में भी राइट करना है ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हो रहा है तो आपको ये सेम होमवर्क है आपका तो आपको राइट करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।